हेलो फ्रेंड्स, स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सफ़ेद बालों को काला करने का अचूक उपाय। सिर की त्वचा में जमे मैल के कारण बाल रूखे हो जाते हैं और कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं। बालों में जमी मैल की रूसी को जन्म देती है, जो बालों की सबसे बड़ी शत्रु है। सिर की सफाई और बालों की स्वच्छता पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पूरी नींद न लेना तथा चिंता करना भी बालों के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसी कारण बाल झड़ते, टूटते और जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। बालों को स्वस्थ रखने के लिए बालों में तेल लगाना ज़रूरी है। आजकल फैशन के चलते लोग बालों में तेल नहीं लगाते, यह बालों के लिए नुकसानदायक है। तो दोस्तों, उपाय जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्वदेशी उपचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देते रहेंगे। पहला उपाय है आंवला। पीसे हुए सूखे आंवला के चूर को नींबू के रस के साथ पीसकर बालों में लेप करने से बाल काले हो जाते हैं। दूसरा उपाय है नींबू का रस सिर में मालिश करने से बालों का पकना और गिरना बंद हो जाता है। सूखे आंवले के पीसे हुए चूर को नींबू के रस के साथ बालों पर लेप करने से बाल काले होने लगते हैं। इससे बालों के अन्य रोग भी सही हो जाते हैं। तीसरा उपाय है घी। घी खाने और बालों की जड़ों में घी मालिश करने से बाल काले होते हैं। चौथा उपाय है गाजर। रोजाना गाजर का रस पीने से बाल काले और स्वस्थ रहते हैं। पांचवा उपाय है प्याज। प्याज का रस पीसकर बालों पर लेप करने से बाल काले रंग के उगने चालू हो जाते हैं। छठा उपाय है दही। 10 पीसी हुई काली मिर्च का चूर और एक नींबू निचोड़कर आधा कप दही में मिला लें और इसे बालों पर लगाकर 20 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद सिर को धो लें। इससे बाल काले और मुलायम हो जाते हैं। 100 ग्राम दही में बारीक पीसी हुई 1 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर सप्ताह में एक बार सिर को धोएं। इस प्रयोग को करने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है तथा बाल काले और सुंदर हो जाते हैं। सातवां उपाय है तुलसी। बराबर मात्रा में तुलसी और हरा धनिया पीसकर आंवले के रस के साथ कुछ दिनों तक लगाएं। बाद में ताजे पानी से बालों को धो लें। बाल काले बनते हैं। इन उपायों को आप प्रयोग में लाएं और अपने बालों को निखारें। धन्यवाद।